जयपुर देश का पहला ऐसा शहर बन गया जहां काफी लंबाई में डायनेमिक फसाड लाइटिंग लगाई जा रही है। निर्माणाधीन सोडाला एलिवेटेड रोड पर जयपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से ये सिस्टम लगाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जेडीए ने तिरंगा थीम पर लाइटिंग की शुरुआत की। इस मौके से जायजा लिया हमारे सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव ने। हम यहाँ निर्माणाधीन सोडाला एलिवेटेड रोड पर खड़े हैं। ये वही एलिवेटेड रोड है जो कि अजमेर रोड को टोंक रोड से जोड़ने के लिए एक हाई स्पीड कॉरिडोर का काम करेगी। लेकिन यहाँ इस एलिवेटेड रोड की खास बात आप मेरे साथ देख सकते हैं कि किस तरह से इसके नीचे के हिस्से पे तिरंगे की थीम में लाइटिंग की गई है। ये डायनेमिक फसाड लाइटिंग है और देश में पहली बार है कि इतनी लंबी एलिवेटेड रोड पर इस तरह से लाइटिंग की गई है। ये जो डायनेमिक फसाड लाइटिंग है यह देश में केवल मुंबई, अमृतसर, अहमदाबाद और बेंगलोर में है, लेकिन वहाँ पर भी इतनी लंबाई में लाइटिंग नहीं की गई है। इसके एक हिस्से में 2.8 किलोमीटर लंबाई में ये लाइटिंग की जा रही है और दूसरे हिस्से में 1.8 किलोमीटर की लंबाई में ये लाइटिंग की जा रही है। इस पर जेडीए 5 करोड़ रुपये खर्च करेगा। आप देख सकते हैं कि ये जो इसके साथ जो रोड लाइट के खंभे हैं इन पर भी तिरंगे की थीम के अनुसार जो है लाइटिंग की गई है और जेडीए ने आज से ही तिरंगे की थीम के अनुसार ये लाइटिंग की शुरुआत कर रही है। इससे पहले एक कलर की लाइटिंग ट्रायल के तौर पे की जा रही थी, लेकिन आज पहली बार तिरंगे की थीम पर लाइटिंग की शुरुआत की गई है और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ जो है अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिवली बता रहा है कि किस तरह से लाइटिंग यहाँ पहली बार जो की गई है और उसके विजुअल आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ दिख रहा है। हमारे साथ यहाँ पर जेडीए के जो अधिशासी अभियंता हैं विद्युत के सीपी गुप्ता मौजूद हैं, वो बताएंगे सर इस लाइटिंग सिस्टम की क्या खूबियाँ रहेंगी। सर एक तो ये डायनेमिक फसाड लाइटिंग है, इसमें क्या है कि हम टाइम के हिसाब से सीट अलग अलग ओकेजन्स पे तीज त्यौहार पे और उसके हिसाब से हम इसमें कलर चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट पैटर्न चेंज कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये डायनेमिक फसाड लाइटिंग है, ये एक लाइटिंग नहीं है, ये आर्ट साइंस कॉमर्स और टेक्नोलॉजी का एक कॉम्बिनेशन है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर सिटी के मूड के हिसाब से, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी को हम इसमें तिरंगा करेंगे, बाल दिवस पे ब्लू लाइटिंग करेंगे, बारिश के मौसम में कुछ और कलर हो सकते हैं, होली दिवाली पे अलग कर सकते हैं। इसके साथ ही हम एक दिन में इसके अलग अलग आवर्स पे भी हम अलग अलग कलर और पैटर्न चेंज कर सकते हैं सर। लेकिन सर जब भी सरकारी स्तर पर इस तरह के प्रयास होते हैं शुरू में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है तो ये चीज़ें मतलब कमज़ोर पड़ती जाती है या फिर ये चीज़ें मतलब इनकी सार संभाल नहीं होती। सर इसका इसमें पूरा विषय ध्यान रखा गया है कि इसलिए हमने इस कॉन्ट्रैक्ट में 3 साल का ऑपरेशन और मेंटेनेंस और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, संचालन की जिम्मेदारी फर्म की है। तो वो अपना यहाँ एक कंट्रोल रूम बनाएगा और उसके 24/7 उसके इंजीनियर्स और स्टाफ रहेगा ताकि कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो तत्काल त्वरित गति से उसको ठीक कर सके। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें उसका 3 साल का रख रखाव और संचालन का कार्य सम्मिलित है, इसलिए ऐसी कोई संभावना नहीं है कि सिस्टम खराब हो जाएगा। जेडीए की ओर से जो ये जो लाइटिंग सिस्टम किया जा रहा है उसमें जो अनुबंध किया गया है फर्म से उसमें 3 साल तक मेंटेनेंस और ऑपरेशन वो फर्म ही करेगी। और बड़ी बात यह है कि इस लाइटिंग सिस्टम के साथ ही जयपुर देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां पर इस तरह से डायनेमिक फसाड लाइटिंग इतनी लंबाई में की जा रही है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।